जान रहे हैं आपकी क और ख जो है दो खंड है इसका और एक ग खंड है। ग खंड में क्या आता है पता है आपको? देखो फी आता है। और ये बिहार से संबंधित है, बिहार से संबंधित लोकोक्ति। इस लोकोक्ति में हम लोग 100 लोकोक्ति पढ़ चुके हैं, 100 का ही टारगेट था, 100 से अधिक पढ़ चुके हैं। और क और ख में भी हम लोग कितना पढ़ेंगे? करीब 100 निबंध पढ़ेंगे, यानी कुल निबंधों की संख्या कितनी पढ़ेंगे? 200। 100 यहाँ क ख से पढ़ेंगे, जिसमें से बीपीएससी ने 2 वर्ष लिया है। कौन कौन सा? सीएट लिया है, 59 लिया, और फिर यूपीएससी में 10 वर्ष के निबंध को देखेंगे, जो आईएएस के एग्जाम में आए हैं वो देखेंगे कि आखिर 2013 के बाद और 23 तक 24 तक क्या क्या पूछे गए, तो इसको भी देखेंगे। और इसके अलावा ये दोनों तो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके अलावा और भी करीब करीब हम लोग कितना निबंध देखे हैं? टोटल कुल 100 निबंधों को देखे हैं, और इसमें से कुछ निबंधों को करीब 10+ निबंध जो होंगे उसको हम 1000 शब्दों में या 800 शब्दों में, और यूपीएससी में आप 1000 शब्दों में लिखते हैं, 1100 शब्दों में, तो 1000 से 700 शब्दों में इसको लिखेंगे। और करीब 90 जो निबंध होंगे, 90 निबंध, उसको हम लोग फॉर्मेटिंग के साथ साथ 250 शब्दों में लिखेंगे, यानी 80-90 निबंधों को कितने में लिखेंगे? 250 शब्दों में। फिर आपका काम रहेगा कि 250 शब्द को फिर बढ़ा करके, हमने लिखवा दिया 250 शब्द, फिर इसमें आप कम से कम 250 शब्द और ऐड कीजिए आप, तो हम बताएंगे ही, तो इसमें ऐड ऐड करना है। इस तरह से आप लिख के भी दिखा सकते हैं, लिख के दिखाएंगे तो एक प्रैक्टिस होगा, और करीब मॉडल आंसर के रूप में हम 10-15 निबंधों को लिखवाएंगे 1000 शब्दों में, 700 शब्दों में, तो यही प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन है आपके मन में? कोई नहीं है?